कोई एब्सेंट हुआ तो क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो. फीस कलेक्शन ऑटोमेटिक. मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना. टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर. चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है. आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप. हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कोच 91 यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है. दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कल न्यूज आई है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो जुलाई में होगा, वो भी ऑनलाइन होगा, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स के लिए. तो दोस्तों, उसके लिए स्टूडेंट्स के पास बहुत से डाउट्स आ रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम्स हो गए तो क्या हम वो एग्ज़ाम्स ऑनलाइन घर से दे सकेंगे, ठीक है, या नहीं. और उसके बाद में कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स अगर हो गए तो हम किस डिवाइस से दे सकेंगे, जैसे मेरे पास जो है लैपटॉप नहीं है तो क्या हम मोबाइल से दे सकेंगे, ठीक है. उसके बाद में है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए भाई स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा या नुकसान, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊँगा. उसके बाद में डी फार्मा, स्टूडेंट्स की बहुत डाउट है कि डी फार्मा का एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होगा, क्या फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट होंगे, ठीक है, ये सभी डाउट डी फार्मा का इसी वीडियो में कवर करूंगा. इसके बाद में जिसके पास डिवाइस ना हो, कोई भी डिवाइस ना हो, मोबाइल फ़ोन्स भी ना हो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के पास नहीं है. दोस्तों, लोग मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वही सब डिप्लोमा वगैरह करते हैं, ठीक है, तो इन बहुत से स्टूडेंट्स के पास डिवाइस नहीं है तो उन लोग कैसे क्या करेंगे, ठीक है. तो दोस्त, इस सभी क्वेश्चंस का आंसर यानी इस सभी डाउट्स का सॉल्यूशन देखने के लिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा. तो पहला डाउट, ऑनलाइन एग्ज़ाम घर से होंगे? तो जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स घर से होंगे. यहाँ पर अभी एक आपके सामने न्यूज़पेपर दिखाया जा रहा है जो कि अमर उजाला न्यूज़पेपर है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है. दोस्तों, यहाँ पर आप लोग डेट एंड टाइम देख सकते हैं, 13 जून 2021 10:37, यानी आज का ही ये न्यूज़ है 10:37 सुबह का, ठीक है. तो इसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिया है घर से ही दे सकेंगे परीक्षाएं, ठीक है. तो घर से ही दे सकेंगे परीक्षाएं या फिर आप कहीं से भी दे सकते हैं परीक्षाएं, ये इसमें पहले क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ऑनलाइन किस डिवाइस से दे पाएंगे परीक्षा? तो देख लीजिए, आपको कुमार बताते हैं कि यानी मिस्टर आलोक कुमार बताते हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है जो न्यूनतम कनेक्टिविटी वाले स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप और डेस्कटॉप से सभी उपकरणों प्रोसेसर में काम करेगा, ठीक है. उन्होंने कहा कि छात्र घर से भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों. यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आप लोग मोबाइल से दे सकते हैं, एंड्रॉयड से, स्मार्टफोन से, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप सभी से दे सकते हैं, ठीक है दोस्त. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम से स्टूडेंट को फ़ायदा होगा? तो इसका जवाब है दोस्तों कि स्टूडेंट्स के हित में हमें तो नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि दोस्तों अगर दोस्तों थ्योरिकल एग्ज़ाम्स होंगे ऑफलाइन में तो वहाँ पर थ्योरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे. मान लिया अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के बारे में स्टूडेंट क्या करेंगे, उसकी जो है फिगर्स बना सकते हैं, फिगर बनाने के बाद में उससे जो है आराम से कुछ पॉइंट लिख सकते हैं उसके बारे में, ठीक है. लेकिन अगर दोस्तों यही ऑनलाइन सिस्टम हुआ तो इसके बारे में MCQ क्वेश्चंस आएंगे, यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे. अब दोस्तों उसको अब वो ब्रीफली पता होगा तभी उसमें से चूज कर पाएगा क्वेश्चन का आंसर. तो दोस्तों ये जो ऑनलाइन एग्जाम्स हैं उसमें जो है दोस्तों बैक लगने की बहुत चांसेस हैं, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सतर्क रहिए. और जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हुआ है अभी BTUPA बोर्ड का, फिर भी एग्ज़ाम जो है जुलाई में कराने को कहा जा रहा है. तो फिलहाल दोस्तों इन सभी को देखते हुए आप एक ही काम कर सकते हैं, अभी ट्यूटर आईडी नहीं बनाए तो तुरंत बनाइए और दोस्तों जाइए मिस्टर आलोक कुमार सर के जो कमेंट है जो अभी उन्होंने ट्वीट किया है उस पर जो है कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट कीजिए नहीं तो ट्वीट कीजिए, ठीक है, मेंशन करके उनको. तो दोस्तों ये आप कर सकते हैं जिससे जो है एग्ज़ाम्स आप लोगों की अगस्त में जाएगी, ठीक है, और उसके बाद में आप लोग जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की जो है हो सके तो आप लोग रोकने की कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ना हो, ऑफलाइन एग्ज़ाम हो तो काफ़ी सही रहेगा. बिकॉज दोस्तों जब चुनाव कराए जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम्स क्यों नहीं कराए जा सकते हैं, ठीक है दोस्त. तो यहाँ पर अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी फार्मा वाले स्टूडेंट्स का, ठीक है, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा? तो जी हाँ दोस्तों, डी फार्मा वाले स्टूडेंट्स का भी एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम प्रमोट होंगे डी फार्मा के. तो भाई आपको बता दें प्रमोट कोई नहीं होगा, आप सभी लोग यार पढ़ाई करो, ठीक है,
प्रमोट कोई नहीं होगा। उसके बाद में जिसके पास डिवाइस ना हो वो क्या करे भाई, जिसके पास डिवाइस ना हो वो नज़दीकी सीएससी केंद्र या फिर जो भी हो पास में उसके साइबर कैफे वगैरह वहाँ पर से जाकर के वो एग्ज़ाम्स को दे सकता है। ठीक है दोस्त, ऐसा जो है आलोक सर ने बताया। तो दोस्तों ये सभी डाउट्स जो कि आज हमने आपको बताए, तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों ट्विटर पर जाइए और दोस्तों एग्ज़ाम्स को लेकर के भाई सभी की हेल्प कीजिए। जब सभी लोग इकट्ठे होकर के हेल्प करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है दोस्त, तो ऐसा करते हो आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त के साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।